Hello, all the students of class 5th. Hope you all are doing good. So, today I came here to teach you your first chapter.

होता क्या है कि जब हम नॉर्मल ट्रेन में चढ़ते हैं तो हमको उसमें चढ़ने के लिए खुद ही मैनुअली जाना पड़ता है कुछ भी ऑटोमेटिक नहीं होता है लेकिन जब हम मेट्रो में चढ़ते हैं तो वहां पे हमें क्या करना होता है एक कार डालना होता है टोकन लेना ख़रीदना पड़ता है और जब उसको हम स्लॉट में डालते हैं तो वो डोर ओपन होता है और जैसे ही हम अंदर जाते हैं तो फिर वो क्या हो जाता है बंद हो जाता है यू डोंट हैव टू वेट फॉर लॉन्ग हमें बहुत ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ता है फॉर नॉइजली द जेंटल ड्रैगन रोज इन होल्ड यू ब्रेथ यू आर इन द प्रेजेंस ऑफ द वर्ल्ड क्लास मेट्रो रेल तो इसमें क्या होता है कि चूंकि ये मेट्रो है तो इसमें हमें ज़्यादा भाग दौड़ नहीं करनी पड़ती ज़्यादा शोर शराबा नहीं होता और हम आसानी से जो है अपना सफ़र तय कर लेते हैं द स्पॉटलेसली क्लीन एयर कंडीशनर कंटीरियर वेलकम्स इंटीरियर्स वेलकम्स यू शटिंग ऑफ डस्ट ट्राफिक स्नैल नॉइज फॉर दैट स्मूथ याट सुपरफास्ट टेन टू थर्टी मिनट्स राइड टू योर डेस्टिनेशन तो होता क्या है कि वहाँ पर बिल्कुल ही साफ सुथरा बिल्कुल एयर कंडीशनर होता है हर तरफ ए सी लगी होती है और वहाँ पर बिल्कुल भी धूल ट्रैफिक नॉइज़ इन सब से दूर जो है दस से तीस मिनट के अंदर जो है वो हम अपनी मंजिल पर पहुँच जाते हैं द आटोमेटिक टोर साइलेंटली ग्लाइट्स ओपन रिमाइंडिंग यू दैट इट्स टाइम टू गेट डाउन और जो अभी भी हमें जिस भी डेस्टिनेशन पे जाना होता है तो वो जो डोर होता है वो खुद ब खुद खुल जाता है और हमें याद दिलाता है कि अब ये हमारा उतरने का समय है सो यू नॉट वॉन्ट टू गेट डाउन तो तुम्हें नहीं आना है Do not नॉट वरी are आर who हु नॉट लाइक टू लीव द comfort ऑफ़ दिल्ली मेट्रो रेल कोई बात नहीं बहुत से ऐसे लोग हैं जो दिल्ली मेट्रो रेल के कम्फर्ट को नहीं छोड़ना चाहते हैं द क्रेडिट ऑफ गिविंग दिल इट इज़ दिस अल्ट्रा मॉडर्न मोड ऑफ मास रैपिड ट्रांसपोर्ट गोज टू दिल्ली मेट्रो मैन मैनेजिंग डायरेक्टर ई श्रीधरन एंड हिज डेडिकेटेड टीम तो हमें तो इतनी सुविधाएँ मिल गई जो भी दिल्ली में रहने वाले लोग हैं उन लोगों को जो है वो इतनी तेजी से चलने वाली ट्रांसपोर्ट भी मिल गई लेकिन इस ये किसने दिया है ये जो वहाँ के मैनेजिंग डायरेक्टर है मेट्रो मैनेजिंग डायरेक्टर ई श्रीधरन ने जो है और उनकी टीम ने ये हमें अवसर दिया है लेट इस पब्लिसिटी एंड मीडिया टेक्नोक्रेट यहाँ पे जो है वो बहुत ही ज्यादा उन्होंने एक ऐसी चीज का आविष्कार किया है जो ना केवल कुछ समय कुछ साल बल्कि बहुत समय तक रहने वाला है वाला पी श्रीधरन पॉपुलरली नोन एज मेट्रो मैन उनको मेट्रो मैन के नाम से भी जाना जाता है जिनका जन्म 12 जुलाई उन्नीस में हुआ था पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट केरला में और उनको जो है वो इंडियन अचीवर हुआज प्रूव टू वर्ल्ड ज ऑन द मूव और उन्होंने जो है वो पूरे विश्व को ये चीज प्रूफ किया था कि भारत में भी जो है इन सब चीजों का विकास हो सकता है ई श्रीधरण ने ग्रेजुएशन की थी इंजीनियरिंग से गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज काकीनंदा से और फिर उसके बाद जो है उन्होंने एज अ लेक्चरर भी कोलकाता में सॉरी केरला में जो है उन्होंने केरला पॉलिटेक्निक में जो है उन्होंने एज अ लेक्चरर भी काम किया था एंड ईयर एट द बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट एज एन अप्रेंटाइज ही जॉइन द इंडियन रेलवे एंड उसके बाद जो है फिर कुछ समय के बाद उन्होंने इंडियन रेलवे जॉइन किया द साइन ऑफ इस डायनामिक एबिलिटीज़ वे क्लियरली विजिबल उनके ये बहुत

मेन लैंड तमिलनाडु तो उन्होंने फर्स्ट जो है एज असिस्टेंट इंजीनियर काम किया था 1964 में जिसमें कि उन्होंने रामेश्वरम से तमिलनाडु का जो रेल था जो ब्रिज थी उसमें उन्होंने हेल्प की थी द रेलवे सेट अ टारगेट ऑफ सिक्स मंथ फॉर अ ब्रिज टू बी रिपेयर बट श्रीधरन री द ब्रिज इन फोर्टी डेज तो होता क्या है कि उन लोगों ने छः महीने में इसको बनाने का उन्होंने ये चीज़ सोचा था कि वो उसको छः महीने में कंप्लीट करेंगे सिक्स मंथ में लेकिन उनकी समझदारी से उनके द्वारा इसको फोर्टी सिक्स डेज़ में ही कंप्लीट कर दिया गया था और इस वजह से जो है रेलवे मिनिस्टर ने उनको अवार्ड भी दिया था और एक एक रिकॉग्नाइजेशन भी मिली थी उनके अचीवमेंट को नाइनटीन सेवेंटी में उन्होंने जो है एज़ अ डिप्टी चीफ़ इंजीनियर ही वॉज़ पुट इन चार्ज ऑफ कैलकटा मेट्रो प्रोजेक्ट फिर उसके बाद उनको चीफ इंजीनियर के रूप में कैलकाटा मेट्रो में उनको जो है 1970 में उनको प्रोजेक्ट दिया गया था 1975 में जो है उनको आ, उन्होंने इतने अच्छे कैरियर के बाद जो है वो रिटायर हो गए थे इंडियन रेलवे से एंड गवर्नमेंट ने जो है उनको इंचार्ज बनाया था कौनकन रेलवे प्रोजेक्ट का द प्रोजेक्ट हैथ नाइन्टी थ्री ट्यूनल अलॉन्ग अ लेंथ ऑफ इज ऐटी टू किलोमीटर एंड इन्वॉल्व ट्यूनलिंग थ्रू अ सॉफ्ट सॉयल तो होता क्या है कि उनको जो है इंचार्ज बनाया गया था जब वो रिटायर कर गए थे उसके बाद जिसमें कि जो है वो नाइन्टी थ्री ट्यूनल्स बनाने थे एटी टू किलोमीटर उसकी लेंथ थी और बहुत ही सॉफ्ट मिट्टी पे द प्रोजेक्ट टोटल कवर्ड सेवन सिक्सटी किलोमीटर हैड ओवर वन फिफ्टी ब्रिज ही कम्प्लीटेड द प्रोजेक्ट इन रिकॉर्ड टाइम और उनको जितना समय दिया गया था शायद उसने उन्होंने उनसे पहले ही उस काम को पूरा कर दिया इन रिकॉग्नाइजेशन ऑफ इस आउटस्टैंडिंग एबिलिटीज ही वाज़ मेड द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन इन 1997. इतने अच्छे काम को इतने अच्छे अचीवमेंट्स को एबिलिटीज़ को देखने के बाद जो है उनको मैनेजिंग डायरेक्टर एमडी बनाया गया था दिल्ली मेट्रो रेल का नाइनटीन में और ये कम जो भी प्रोजेक्ट था वो बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था क्योंकि ये नया था मेट्रो लाइंस हैज़ टू बी लेड इन द एक्सट्रीमली बिज़ी एरियाज़ ऑफ़ दिल्ली क्योंकि दिल्ली बहुत ही जो है वो बिज़ी एरिया और ये वहाँ पे ही बनाना था द टफ़ बिज़ी एंड चैलेंजिंग टास्क ये बहुत ही बिजी और चैलेंजिंग टास्क था लेकिन उन्होंने जो है अपनी टीम के साथ मिल करके बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर कर के इसको सक्सेसफुल बनाया था और उनका तीन ही ऑब्जेक्टिवस थी तीन ही विशेष जो उन्होंने इस चीज़ को जो है उद्देश्य जो उनका था टू डेवलप अ वर्ल्ड क्लास मेट्रो सिस्टम कि वो एक बहुत ही वर्ल्ड क्लास मेट्रो सिस्टम डेवलप करना चाहते थे विकसित करना चाहते थे इस प्रोजेक्ट को जो है टाइम पे पूरा करना चाहते थे एंड जो है इनकनवीनियंस कम हो लोगों को परेशानी कम हो वो ये भी उनका एक उद्देश्य था टू प्लान फॉर इस प्रोजेक्ट वो अपने प्रोजेक्ट के लिए जो है वो जर्मनी गए जापान गए फ्रांस गए बहुत सारे कंट्री में वो गए ताकि वो समझ सके कि मेट्रो सिस्टम किस तरीके से वो बना सकते हैं ही adapted एंड रिनोवेटेड their टेक्नोलॉजी टू सूट complex इंडियन कंडीशन और ऐसा नहीं है कि उन्होंने वो अपनाने की कोशिश की दूसरे देशों की बल्कि उन्होंने हम भारतीयों के जो हमारे रहन सहन हमारे हमें जो सूट करता है उस कंडीशन के थ्रू जो है उन्होंने ये गोल अचीव किया था अपने लिए भी और लोगों के लिए भी दिल्ली मेट्रो इज़ कंपेरेबल टू द बेस्ट मेट्रो सिस्टम इन द वर्ल्ड दिल्ली मेट्रो को जो है वो सबसे वन ऑफ़ द बेस्ट माना जाता है पूरे वर्ल्ड में इट हैज़ बिन लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इन द वर्ल्ड फॉर सिग्नली टेली कम्युनिकेशन टेली कम्युनिकेशन में या सिग्नलिंग में ये हर चीज़ में जो है वो बेस्ट माना जाता है चाहे वो ऑटो फेयर में कलेक्शन में हो या फिर वो ट्रैक स्ट्रक्चर में हो या वो ऑटो ट्रेन ऑपरेशन हो या प्रोजेक्शन हो हर या फिर पैसेंजर की सेफ्टी और कम्फर्ट ही क्यों ना हो हर चीज़ में इसको बेस्ट माना जाता है उन्होंने ये जो पहला जो फेज़ है प्रोजेक्ट का उसको टाइम पे कंप्लीट कर दिया था यहाँ तक कि उन्होंने जो है टाइम के पहले कर दिया था तो दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन जो था वो डाइवर्टेड ऑल द पब्लिक यूटिलिटीज़ इन एडवांस टू इंश्योर दैट देर इज़ नो डिस्ट्रब्यूशन ऑफ वाटर इलेक्ट्रिसिटी स्वेरेज एंड टेलीफोन कनेक्शन ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन इन दिस एरिया तो उन्होंने ये चीज़ तय किया उन्होंने ये चीज़ ठान लिया उनका ये उद्देश्य था कि लोगों को किसी भी तरीके को कोई परेशानी ना हो जिस भी एरिया में

तो इतना कुछ होने के बावजूद भी जो है उन्होंने इस चैलेंजिंग एरिया टास्क को जो है वो समय से कंप्लीट किया था और उनका विजन जो था वो बहुत ही ज़्यादा क्लियर था जैसा कि हमने देख लिया सॉफ्ट स्पोकन एंड जनरल श्रीधन इन अ रोल मॉडल ऑफ इज वन सिक्स फिफ्टी स्ट्रॉन्ग वर्क फोर्स उन्होंने सोलह लोगों के साथ उनकी एक टीम थी उनका एक फोर्स था जिसके थ्रू जो है और वो एक दूसरे को मोटिवेट करते हुए इस प्रोजेक्ट को उन्होंने कंप्लीट किया था एंड इन सारे स्टेट्स के अलावा ही फॉरेन कंट्रीज़ भी चाहती थी कि वो ये एक्सपीरियंस जो है वो ले सके उनको बहुत सारे अवार्ड से भी नवाजा गया था उनको पद्म विभूषण पद्मश्री ये सारे इनक्रेडिबल अचीवमेंट्स दिए गए थे द लेटेस्ट इन द लिस्ट इन फ्रांस हाइस्ट अवार्ड द The Chevalier de la Lyon de Honour, Knight of the Legion of Honor. Unko jo hai wo Japan ka, uh, France ka jo sabse bada Award is the latest list hai. Unko us award se bhi gaya tha. He had been given the prestigious award in recognition, recognition of the outstanding commitment to the development of transportation infrastructure in India and his valuable contribution of enhancing Indo-French relations. तो हुआ क्या था कि इसके बाद उन्होंने जो इंडिया और फ्रांस का जो रिलेशन था उसको भी उन्होंने जो है वो काफ़ी ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन के मामले में बढ़ा दिया था आज के टाइम में मेट्रो जो है वो दिल्ली से बहुत सारे एरिया को कनेक्ट करती है जैसे कि नोएडा गुड़गांव, फ़रीदाबाद ये सारे बहुत ही बिल्कुल सेफली क्विक और स्मार्ट वे है हमारा दिल्ली चूँकि हमारे देश की राजधानी भी है तो वहाँ से बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पर मेट्रो को चलाया जाता है पाँच से सात मिनट में जो है वो ट्रेन पिकअप पकड़ लेती है और टेन टू फिफ्टीन मिनट पर आवर जो है वो बिना रुके वो चलती है दिस इज़ नॉट एट ऑल यही नहीं बल्कि बहुत सारे और भी आ, मेट्रो के जो है वो आ, बेनिफिट्स हैं क्योंकि ये बहुत ही चीप है कैन यू आस्क फॉर एनी थिंग बेटर मेट्रो रेल हैज़ बिकेम दिल्ली प्राइड ये दिल्ली के लिए एक गर्व की बात है और ई श्रीधर ने जो ये काम करके वो भारत का गौरव बने हैं तो यही था इस चैप्टर में जिसमें हमने मेट्रोमैन के बारे में पढ़ा है इसका क्वेश्चन आंसर मैं आपके ऐप आप पे अपलोड कर दूंगी तब तक के लिए स्टे सेफ स्टे होम थैंक यू